हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वर्ल्ड। और आज हम बनाने वाले हैं केसर साबूदाना खीर। ठीक है, तो पहले ये घी है जो कि ऐड कर रही हूँ, और उसके बाद मैं ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल भी ऐड नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि है ही नहीं घर पर, तो कैसे ऐड कर सकती हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है पता है क्या? घी में ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर लेने हैं, और अगर आपको इलायची डालना है तो वो भी आप डाल सकते हैं। मुझे इलायची नहीं मिल रही थी इसलिए मैंने नहीं डाला। तो आपके घर में जो भी मतलब अवेलेबल है ना, वो आप डाल सकते हैं, जो कि आपको बहुत पसंद आता है। खीर में क्या क्या ऐड करते हो, ठीक है? तो आपने देखा मैंने मिल्क ऐड किया, और इसको उबाल आने के बाद इसमें मैंने केसर ऐड किया है। और केसर भी ऐड करने के बाद फिर से उसे उबाल आने देंगे, थोड़ा हाफ होने देंगे, और फिर हम शुगर ऐड करेंगे। तो फिर सब कुछ अच्छे से मिक्स होने के बाद हम उसमें साबूदाना ऐड करने वाले हैं, जो कि मैंने पहले ही भिगो कर रखा था साबूदाना को, और वो अच्छे से भीग गए हैं। फिर वो साबूदाना ऐड करेंगे। तो सब कुछ ऐड करने के बाद फिर साबूदाना ऐड करने के बाद फिर से हमें उसे क्या करना है, 10 मिनट तक पकाना है। ठीक है, फिर उसके बाद तो हमारी जो खीर है वो तो ऑब्वियसली रेडी हो ही जाएगी। कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर इसमें अगर ड्राई फ्रूट्स होते तो ज़्यादा अच्छा होता लगता है। पर आप क्या करना, आप डालना, बहुत ही अच्छा दिखेगा। पर ये जो बन के तैयार हुआ और जो टेस्ट आ रहा था, बाप रे, मैंने तो 2 दिन खाया, इतना मस्त बना था। तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करके देखिए। मैंने तो ये पहली बार बनाया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने पहले क्यों नहीं बनाया। मैं तो हमेशा साबूदाना की खिचड़ी बना के खाती थी, ये मैंने पहली बार बनाया, जो कि क्या बोलूँ, अब कुछ नहीं बोलती मैं, अब डायरेक्टली खाती हूँ, बहुत ही मस्त बना है। तो इसी के साथ अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और इसी तरीके से वीडियो देखने के बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।